हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग का जो अभी रनिंग चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट मींस की माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो पहले हम लोगों ने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या क्या रोल था वो देखे थे और कौन कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं जिसमें हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या रोल है, यानी ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जहां पे हम लोग माइक्रोब्स का यूज करते हैं। ओके, तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या रोल है ये हम लोग आज देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, माइक्रोब्स का इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रोल जो है वह अल्कोहल और बीवरेज एंड एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में हम लोग करते हैं। माइक्रोब्स आर वाइडली used in production of widely used in production of beverage and antibiotics. These products are produced in large scale in the large vessels called फर्मेंटर। तो माइक्रोब्स का हम लोग जिस एक बड़े से लार्ज वेसल्स में, यहां पर लैबोरेटिकल स्केल पे काम नहीं चलेगा, लैबोरेटिकल स्केल का मतलब हमेशा क्वांटिटी कम, और इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब हो गया लार्ज क्वांटिटी में 10,000 लीटर 5,000 लीटर, अगर अल्कोहल का फर्मेंटेशन कराने तो 5,000-5,000 का बड़ा बड़ा टैंक होता है, तो वैसे टैंक में वो उस टैंक को हम लोग फर्मेंटर कहते हैं, जहां पे एनोरिक इन्वायरमेंट को कंप्लीट प्रोवाइड करके उसमें हम लोग जो माइक्रोब्स है उसको मिक्स कर देंगे और वह लार्ज स्केल में फर्मेंटेशन करेगा और प्रोडक्ट को हम लोग उसमें से निकालेंगे, जो टेम्परेचर को फिक्स रखेगा, एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करेगा, और वैसे लार्ज वेसल्स को हम लोग फर्मेंटर कहते हैं। तो जब इंडस्ट्रियल स्केल पे, इंडस्ट्री लेवल पे हम लोग किसका, बीवरेज का और एंटीबायोटिक्स का या कोई भी दूसरे माइक्रोबियल प्रोडक्ट का हम लोग जब लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए खास लार्ज वेसल की जरूरत पड़ती है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग फर्मेंटर कहते हैं। जनरली देखो ईच स्पेसीज इज यूज इन अल्कोहल फर्मेंटेशन, ठीक है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में सबसे ज्यादा हम लोग ईस्ट के स्पेसिस को यूज करते हैं, जैसे साइक्रोमाइसिस, सेरिबेसिस इज कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। ये सब नाम आपको थोड़े से जो है वो याद रखना है कि किसको हम लोग रिवर ईस्ट या क्या, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसीलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया हूं। उसी तरह से देखिए साइक्रोमाइसिस एलेप्सो डीएंस, साइक्रोमाइसिस एलेप्सो डीएंस
LILIPSO DELLIPSOI साइक्लोमाइसिस एलेप्सोडियंस, ये जो हुआ साइक्लोमाइसिस स्पेसिस के ही सब नाम है, उनको बाकी को क्या क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वाइन ईस्ट। जैसे हम लोग साइक्लोमाइसिस सेरिवेसी को ब्रीवर ईस्ट, तो साइक्लोमाइसिस एलेप्सोडियंस को हम लोग वाइन ईस्ट कहते हैं, उसी तरह साइक्लोमाइसिस सेक। साइक्लोमाइसिस सेक, तो साइक्लोमाइसिस सेक को हम लोग सेक ईस्ट बोलते हैं, यानी बहुत सारे सेक को बनाने में इसका काम होता है। फिर है साइक्लोमाइसिस पाइरेफॉर्मिस, साइक्लोमाइसिस पाइरेफॉर्मिस इसको हम लोग जिंजर बियर एली ईस्ट भी बोलते हैं। तो इससे जो बियर तैयार होता है वह जिंजर बियर के फ्लेवर का होगा, इसीलिए, और इसकी का दूसरा नाम है एली ईस्ट। तो ये सब थोड़े से नाम जो है वो आपको याद रखना है। अब देखो जो अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट से इथेनॉल का प्रोडक्शन कराते हैं। जनरली फर्मेंटेशन में क्या है, तो कोई भी स्पेसिस का हम लोग ले लिए, काम क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हम लोग क्या कर लेंगे इथेनॉल का, और इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं अलग अलग ईस्ट के स्पेसिस को लेते हैं, और प्रोसेस का क्या नाम है, तो वह है फर्मेंटेशन का प्रोसेस कराते हैं। अब इस कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में, कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स होगा उसके रूप में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो मोलासेस को लेते हैं, मोस्ट कॉमन इज मोलासेस, फ्रूट जूस उसको ले सकते हैं, फ्रूट में भी क्या है कार्बन सोर्स जो है ना सुक्रोज, तो उसको क्या करेंगे वो ले लेंगे, मोलासेस को ले लेंगे, सीरियल्स को ले लेंगे, तो जिस जिस में कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है उसको लेके एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करा देंगे, और अलग अलग ईस्ट या स्पेसिस को लेकर के हम लोग उससे इथेनॉल का प्रोडक्शन कराएंगे। जो कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स और ईस्ट या स्पेसिस होंगे वही पार्टिकुलर इथेनॉल के टेस्ट टेक्सचर फ्लेवर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। वाइन तो सभी है, सभी में अल्कोहल है, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग होता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो कौन सा लिया गया है। कहने का मतलब कि फ्रूट जूस से भी वाइन बना सकते हैं, वाइन का क्या है, वाइन एक कॉमनली टर्म है, जबकि वाइन का मतलब होता है कि जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो। बियर, रम, विस्की, ब्रांडी, बिना पिए सारा नाम सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है आप लोग भी, लेकिन ऐसा नहीं कि सबका टेस्ट और टेक्सचर को जानने के लिए उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करने की जरूरत है, ऐसा करने की कोई कोशिश ना करें। पता चला कि आपने कहा कि सर ने पढ़ाया था और हमें ऐसा टेस्ट लेना था, इसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप भी जो है वो ऐसा काम ना करें। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में सीरियल्स, माल्टेड ले सकते हैं, मोलासेस, मोलासेस जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं, और फ्रूट, फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। तो ये तीनों, ये सब क्या हो गए, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हो गए। अब इनमें फर्मेंटेशन हो करके तो ये क्या देंगे, ये दे देंगे एथेनॉल,
इसमें प्रोसेस क्या हुआ, फर्मेंटेशन जो है वो प्रोसेस क्या होता है वो आप जान चुके हैं रिस्पायरेशन इन प्लांट के टॉपिक में, ठीक है। तो वो फिर से एक बार देख सकते हैं, नहीं तो उसको आप जो फंगाई के लिए दिखाया गया था फर्मेंटेशन में, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन का एक पार्ट था, वहां पे आप लोगों ने इस चीज को पूरा कवर किया था। अब देखो कि हम क्या कह रहे हैं कि वाइन में जो अल्कोहल का जो कंसेंट्रेशन होता है वो लगभग 9 से 12% ही होता है, जबकि बियर में 3 से 6% का होता है। तो बियर और वाइन को बनाने के लिए उसमें डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये डिस्टिलेशन का क्या मतलब है उसको एक बार यहाँ पर हम समझाते हैं। अगर वो आपको 11th का टॉपिक यानी कि रिस्पायरेशन इन प्लांट का एनारोमिक रिस्पायरेशन अगर याद है, जहां पे फर्मेंटेशन का टॉपिक देखे होंगे, तो आपको पता है कि जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में 13% से ज्यादा अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन होगा, यानी अल्कोहल कहने का मतलब इथेनॉल, तो फंगाई जो है वह खुद उस कंसंट्रेशन में मरना चालू हो जाता है। तो कभी भी जो फर्मेंटेशन करते हैं हम लोग 30% से कम का फर्मेंटेशन का यूनिट तय करते हैं, ठीक। फंगाई की फंगाई इटसेल्फ, अब देखो तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो 13% से कम अल्कोहल का है, यानी 30% से कम वाला जो प्रोडक्ट है, वहां पे डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। यानी 13% से ज्यादा अगर कंसंट्रेशन बढ़ाना है इथेनॉल का तो हमें डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। डिस्टिलेशन करने का मतलब क्या हुआ कि मान लो यह एक बड़ा सा डिस्टिल प्लांट है, डिस्टिल प्लांट का मतलब फर्मेंटर है, फर्मेंटर का मतलब एक लार्ज वेसल्स या एक लार्ज वेसल्स है, ठीक। ये हुआ इनपुट पॉइंट और ये हुआ आउटपुट पॉइंट, ठीक है। यहां पर टेम्परेचर नापने वाला है, ठीक, और अंदर में क्या है, एनारोबिक कंडीशन है, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, लार्ज वेसल्स का मतलब यह क्या हो गया, यह फर्मेंटर हो गया। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो फर्मेंटेशन का जब प्रोसेस करा रहे हैं तो हमारा यहां पर एक इंडिकेटर होगा जो हमें यह नोटिस करके देगा या हम अंदाज से चलेंगे कि इतने देर में फर्मेंटेशन हो जाएगा। अब इस बड़े से टैंक में जैसे ही फर्मेंटेशन हुआ इस प्रोडक्ट को हम बाहर निकालेंगे और उसमें से अल्कोहल को डिस्टिल करके निकालना है, मतलब अल्कोहल को सिर्फ निकाल लिए डिस्टिलेशन से, ठीक। अल्कोहल को निकाल लिए तो 13% अल्कोहल हमें एक बार में मिल गया। दोबारा डिस्टिलेशन, जैसे जैसे डिस्टिलेशन करेंगे अल्कोहल का कंसंट्रेशन हाई होगा और वाटर का कंटेंट उनमें से निकलते चला जाएगा। तो इसी चीज को कहते हैं, कहीं पे पानी का मिलाना मतलब डाइल्यूट करना, कहीं से पानी को निकालना मतलब कंसंट्रेट करना। तो डिस्टिलेशन का मतलब वही हुआ कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल का कंटेंट हाई रखना है तो उसको डिस्टिल करना पड़ेगा, यानी उसमें से वाटर को निकालना पड़ेगा। वाटर जितना ज्यादा निकलेगा यानी वो कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज हम आपको लिखाना चाह रहे हैं, ये तो समझ गए अगर बात थोड़ा सा। तो देखो बियर एंड
वाइन, बियर एंड वाइन इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय नॉर्मल फर्मेंटेशन, दैट इज नो नीड ऑफ डिस्टिलेशन। और बियर एंड वाइन के लिए क्यों, क्योंकि बियर में अभी एक डेटा देंगे हम, बियर में 3-6% का अल्कोहल होता है और वाइन में लगभग 12%, 9-12% तक का अल्कोहल होता है। लेकिन रम, जिन, ब्रांडी, विस्की आर ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन का मतलब वही कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अल्कोहल को कंसंट्रेट कर दिए। और यहां पर बियर और वाइन में, ये जो बियर और वाइन है हमारा, उसमें कोई डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं है, तो वही मैं लिखा हूं कि नो नीड ऑफ डिस्टिलेशन, जबकि बियर और वाइन में डिस्टिलेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। विस्की और ब्रांडी जो है, रम जो है, वो फर्मेंटेड ग्रोथ, यानी कि जो बात जो फर्मेंटेड बाय डिस्टिलेशन इन फर्मेंटेड ब्रोथ का मतलब जहां पर फर्मेंटेशन, इसी में फर्मेंटेशन हुआ तो इसी में डिस्टिलेशन करेंगे ना, तो जिस चीज का फर्मेंटेशन किए हैं उसी में डिस्टिलेशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रम, गिन, ब्रांडी, विस्की, खास करके ये सारे चीज मिलेंगे। अब आइए एक देखते हैं हम लोग अल्कोहल, और अल्कोहल में कौन कौन से ऐसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं और उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना है। अल्कोहल और सब्सट्रेट यूज और अल्कोहल कंसंट्रेशन, और अल्कोहल का कंसंट्रेशन बियर, वाइन, बियर वाइन विस्की, ब्रांडी, ब्रांडी, उसके बाद में जीन और वोडका, GIN है जीन, और ये हो गया वोडका। ठीक है, तो देखिए ये अलग अलग यहीं पर बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, गिन और वोडका, इतने सारे जो हैं वो नॉर्मल अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं। तो ये जो है वो, ये हो गया बियर जो है वो बार्ली माल्ट से तैयार होता है, बार्ली में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, और इसमें होता है 3-6% अल्कोहल का कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद वाइन जो है वह फ्रूट जूस से
फ्रूट जूस से, और इसमें 9-12% ऑफ अल्कोहल, फिर उसके बाद में है विस्की, विस्की फर्मेंटेड सीरियल से तैयार होता है और इसमें लगभग 50% तक अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद में है ब्रांडी, ब्रांडी जो है वो फ्रूट जूस से, और इसमें भी 60-70 ब्रांडी, ओके एक रम छूट गया है, ब्रांडी, ब्रांडी जो है वो फ्रूट जूस से, इसमें 60-70% तक होता है। चलिए एक छूटा है रम छूट गया है, बियर वाइन विस्की ब्रांडी गिन और वोडका का एक रम छूटा है, उसको इसी में अभी आगे कर देंगे। तो ये फ्रूट जूस से, फिर उसके बाद बात करते हैं गिन की, तो गिन जो है वो ये राइप मॉल्ट से, गिन राइप मॉल्ट से, और इसमें लगभग 40% तक अल्कोहल होता है इसमें, तो गिन में। फिर उसके बाद वोडका या पोटैटो मॉल्ट से तैयार होता है और इसमें 60-80% तक इसमें वोडका में 60-80% तक अल्कोहल होता है। फिर एक है यहां पर कर देते हैं रम का, रम जो छूट गया था, तो रम, रम जो है वो मोलासेस से तैयार होता है और इसमें भी 40% तक अल्कोहल होता है। तो बियर वाइन विस्की ब्रांडी रम गिन वोडका इतने सारे जो है वह अल्कोहलिक प्रोडक्ट हैं। इनको एक टेबल में आप बना के थोड़ा सा याद कर लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वाइन में कितने परसेंट तक अल्कोहल होता है, तो वाइन में 9-12% तक अल्कोहल होता है, बियर में कितने परसेंट होता है, तो 3-6% तक होता है, रम में कितने परसेंट होता है, तो 40% होता है, गिन में कितना परसेंट होता है, तो उसमें भी 40% होता है, वोडका में 60-80% होता है। तो ये सब परसेंटेज आपको थोड़ा सा याद करना है कि किसमें कितना परसेंट जो है वह रहता है, और सीक्वेंस रखेंगे बियर वाइन विस्की ब्रांडी रम तब गिन और वोडका। तो ये आपको, या फिर आप ऐसे कर लो कि जैसे 3-6% तब 9-12% तब 40% तब 50% नहीं 40% 40% तब 50% 60-70 और 60-80% अल्कोहल के कंसंट्रेशन के बेसिस के हिसाब से भी उसको सीक्वेंस में रख सकते हैं आप। अब आइए सेकेंड, फर्स्ट में हम लोग बीवरेज देख रहे थे, बी में एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स को अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो किसी माइक्रोब्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और इसका काम क्या है, इसका काम है किसी दूसरे माइक्रोब्स को किल करना या फिर उसके ग्रोथ को इनहिबिट करना। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है वह किसने देखा था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक्स को आइसोलेट किया था, उसके ऊपर नोटिस किया था, क्योंकि उनके पास एक प्लेट था जिसके ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रोथ हुआ था, लेकिन अराउंड द एक पार्ट ऐसा था जहां पर स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रोथ नहीं हुआ था। उन्होंने नोटिस किया आखिर ऐसा क्यों हुआ जहां पर स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रोथ नहीं हुआ, उस चीज को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि यहां पर एक फंगाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जो एक कंपोनेंट का सेक्रेशन करता है, बनाता है, जो है पेनिसिलिन। तो जिस पार्ट पे पेनिसिलिन था वहां पे स्ट्रेप्टोकोकस
ग्रोथ नहीं कर पाया था। तो वहीं से उन्होंने ऑब्जर्व करके ये फाइंड आउट किया कि एंटीबायोटिक्स क्या है। एंटीबायोटिक्स को फ्लोरी चैन इन्होंने एक्टिवली सबसे ज्यादा यूज किया और इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। एंटीबायोटिक्स का सबसे ज्यादा यूज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने में किया गया था। ठीक, अब अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स अलग अलग स्पेसीज से बनाए जाते हैं लार्ज स्केल पे, इसीलिए कभी भी आप जो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है एंटीबायोटिक्स को, तो वो अलग अलग टाइप्स के एंटीबायोटिक्स को हम पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स क्या है, एंटीबायोटिक्स इज ए केमिकल सब्सटेंस which is produced by microbes that kill or inhibit the growth of other microbes। कहने का मतलब क्या हुआ कि समझो यहां पर कोई एक पेट्री डिश या कोई प्लेट है और इस प्लेट पे यहां पर ये क्या है, तो यहां पर ये एक माइक्रोब है। ठीक है ना, ये मान लो कि ये कोई फंगाई है, ये फंगाई यानी माइक्रोब जो है वो क्या कर रहा है, तो यह एक कंपोनेंट का सिक्रेशन कर रहा है, कंपोनेंट बना रहा है। ठीक, यह एक कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट का नाम दे दिए हम लोग एंटीबायोटिक्स। तो ये काम क्या करता है, ये किसी दूसरे सेल को यानी दूसरे माइक्रोब्स के ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, ग्रोथ नहीं होने देगा, कौन तो ये रोक देगा, इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, तो एंटीबायोटिक्स का मतलब अगेंस्ट लाइफ। ओके, एंटीबायोटिक्स का मतलब अगेंस्ट लाइफ, लेकिन इन द रेफरेंस टू डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स, किसके रेफरेंस में, तो यह एक माइक्रोब्स है। ठीक, यह कोई दूसरा माइक्रोब्स है, अदर माइक्रोब्स, जिसका ग्रोथ को क्या किया है, यह इनहिबिट किया है, रोक दिया है, कौन ये, और ये कहां से बन के आया है, तो ये किसी दूसरे माइक्रोब से, जैसे यहां फंगाई है, फंगाई भी एक माइक्रोब्स है, तो बैक्टीरिया और फंगाई ही मेन रूप से जो है वह एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं यानी सिंथेसिस करते हैं। तो ये भी एक माइक्रोब्स है और यहां पर ग्रोथ करने के लिए जो आया है यह भी एक माइक्रोब्स है। तो एंगेज्ड लाइफ का मतलब इस माइक्रोब्स के रेफरेंस में एंगेज्ड द लाइफ है, लेकिन अगर ह्यूमन के रेफरेंस में लेंगे यानी इस एंटीबायोटिक्स को अगर हम खाते हैं तो हमारे लिए एंगेज द लाइफ नहीं है, ये हमारे लिए प्रो लाइफ होगा। क्यों, क्योंकि हमारे लाइफ को सेव करने के लिए किसी दूसरे पैथोजन के ग्रोथ को रोक रहा है। तो इन द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन इट इज क्या है, तो एंटीबायोटिक्स का मतलब एंगेज लाइफ, इन द रेफरेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये एंटीबायोटिक्स एंगेस्ट लाइफ का मतलब ये चीज हुआ, लेकिन यही एंटीबायोटिक्स इन दी रेफरेंस ऑफ ह्यूमन यानी हमारे लिए क्या हो गया,
इन द रेफरेंस ऑफ ह्यूमन इट इज प्रो लाइफ नॉट अगेंस्ट, हमारे लिए अगेंस्ट द लाइफ नहीं है, हमारे लिए प्रो लाइफ है। तो एंटीबायोटिक्स मीन्स सबसे पहले समझ लो अगेंस्ट लाइफ, किसके रेफरेंस में, तो डिजीज काउजिंग के रेफरेंस में। द फर्स्ट फर्स्ट एंटीबायोटिक्स वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ही ऑब्जर्व स्टेफाइलोकोकस जो है वह ग्रोथ नहीं कर पाया था इसके ऊपर, तो ये पेट्री डिश के ऊपर में, तो वहीं से इन्होंने ये ऑब्जर्व करके और फाइंड आउट किया कि ये जो है वह यहां पर कोई ऐसा कंपोनेंट है। फॉर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग विच इज पहले ऐसे लिख लीजिए फ्लेमिंग विच इज प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन क्या होता है और कैसे पता चला कि एंटीबायोटिक्स है, तो ही ऑब्जर्व स्टेफाइलोकोकस डू नॉट ग्रो अराउंड वेयर फंगाई नोटेटम इज प्रेजेंट। देन ही फाउंड दैट फंगाई प्रोड्यूस ए केमिकल that inhibits the growth of Staphylococcus inhibit the growth of Staphylococcus, ठीक है। तो जहां पर समझो यही चीज को हम यहां समझाएं आपको कि जहां पर ये एक बड़ा सा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बड़ा सा इन्होंने पेट्री डिश लिया, ठीक, और ये पेट्री डिश जो है वो अनवॉश्ड था, इसको साफ नहीं किया था इन्होंने, अनवॉश्ड प्लेट, ठीक। इस अनवॉश्ड प्लेट पे चारों तरफ क्या था, तो स्टेफाइलोकोकस का ग्रोथ होया था, सभी जगह स्टेफाइलोकोकस का ग्रोथ हो गया, लेकिन इस एरिया में स्टेफाइलोकोकस का ग्रोथ नहीं हो पाया, ठीक।
ऐसा क्यों? क्योंकि इस एरिया में क्या था, तो इस एरिया में पेनिसिलियम नोटेटम था, और पेनिसिलियम नोटेटम क्या करता है, तो पेनिसिलियम नोटेटम एंड केमिकल पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करता है, और यह पेनिसिलिन क्या किया, इस स्टेफाइलोकोकस के ग्रोथ को रोक दिया। स्टेफाइलोकोकस के ग्रोथ को रोक दिया इस एरिया में, तो इसी चीज को ऑब्जर्व करके इन्होंने इसका नाम दिया पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक नाम पड़ा इसका इसी वजह से। अब एंटीबायोटिक्स का रोल और फुल एक्टिव एंड वाइडली जो यूजेज है वह आगे हुआ, इन्होंने इतना ऑब्जर्व किया, इतना सारा चीज जो है वह नाम वगैरह बताया, ठीक है। अब इसमें तीन साइंटिस्ट अलग से काम किए, तो फुल पोटेंशियल और इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है वह तीन साइंटिस्ट के ये काम से आया, तो हार्वर्ड फ्लोरी और अंश चैन, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, तो इनके वजह से फुल पोटेंशियल एंड इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज यूज्ड बाय आवर लोरी चैन। लोरी एंड ये एलेक्जेंडर फ्लेमिंग चूंकि इसमें काम किए थे, इसी वजह से फ्लेमिंग चैन एंड फ्लोरी फ्लोरी इन तीनों को क्या मिला, गॉड नोबेल प्राइज कंबाइंड में तीनों को इस काम के लिए एंटीबायोटिक्स के लिए। तो फ्लेमिंग फ्लेमिंग हुआ, चैन हुए और फ्लोरी, ये तीनों को क्या मिल गया, तो इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। एंटीबायोटिक्स वाज वाइडली यूज एंटीबायोटिक्स वाज वाइडली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो उस समय इसका सबसे ज्यादा यूज हुआ था। ओके अब कुछ एंटीबायोटिक्स और उससे रिलेटेड जो स्पेसीज हैं उनको हम लोग देखेंगे। यहां तक हो गई बात, एंटीबायोटिक्स एंड सोर्स एंटीबायोटिक
सोर्स जो है वो देखेंगे हम लोग, जैसे बैक्टीरियल एंटीबायोटिक का डेसिट्रेसिन, डेसिट्रेसिन जो है वो बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन या इसी का नाम है ऑरियोमाइसिन, ऑरियोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियो फैसियंस, फिर क्लोराफेनिकॉल, क्लोराफेनिकॉल या क्लोरोमाइसिटिन और क्लोरोमाइसिटिन, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, वेनेजुएली एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिटिन, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एस इरिथ्रियस, E-R-Y-T-H-R-E-U-S, स्ट्रेप्टोमाइसिन एस GRI ग्रेसियस, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन यह है एस रिमोसस, एस रिमोसस, फिर है नियोमाइसिन, नियोमाइसिन ग्रीसी को कहते हैं, नियोमाइसिन एफ आर ए डी आई ए ई एफ डे फ्रॉम फंगाई, फंगाई से कौन कौन है तो फ्रॉम फंगाई पेनिसिलिन, ग्रीसियो फॉल्विन, ग्रीसियोफल्विन, ग्रीसियोफल्विन और फुमाजिलिन, और फुमाजिलिन पेनिसिलिन का पेनिसिलियम नोटेटम, ग्रीसियोफल्विन, ग्रीसियोफल्विन का है पेनिसिलियम ग्रीसियोफल्वम, ग्रीसियोफल्वम फ्यूमाजिलिन, फ्यूमाजिलिन का है एस्परजिलस फूमीगेटस,
एस्परजिलस फ्यूमीगेटस। तो ये इसके हो गए। अब मान लिया आपको थोड़ा दिक्कत हो समझने में तो मैं ये करता हूं, ये हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि कौन किसका नाम है, आपको कंफ्यूजन ना हो देखने में बोर्ड से, इसीलिए उसको अंडरलाइन करके आपको एक जगह कर दिया। तो ये बी पार्ट एंटीबायोटिक्स जो है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद कुछ दूसरे प्रोडक्ट जैसे ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल या फिर कुछ एंजाइम जिसका इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन हम लोग माइक्रो मदद से करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये अगर नाम आपका हो गया, चलो तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल एंजाइम एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। सी में केमिकल्स एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। ये सारा चीज जो है केमिकल एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। इसमें अल्कोहल भी देख लेंगे थोड़ा, अल्कोहल तो वैसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अल्कोहल टाइप मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जो प्रिपेयर हुआ है किससे, ईस्ट से, जनरली साइक्रोमाइसिस सेरेविसी हम लोग सबसे ज्यादा इसमें यूज करते हैं। Microbes are used in production of certain chemical like organic acid, alcohol, enzymes, cyclosporin A and statins। तो ये सारे चीज को ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे इन सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग माइक्रोब्स का जो है वह यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक एसिड यानी कि हम लोग ऑर्गेनिक एसिड या ये जो बाकी जो प्रोडक्ट है वो हम लोग कैसे तैयार करते हैं वो देखिए। ऑर्गेनिक एसिड सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये ऑर्गेनिक एसिड, या ऐसे हेडिंग दीजिए एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एक्चुअल में कैसे, तो जब हम लोग प्रोटीन का एमिनो एसिड में से अमीनो पार्ट को अगर हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह है ऑर्गेनिक एसिड। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड,
दीज ऑल्स आर द ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन जब ये ऑर्गेनिक एसिड, अभी तो हम लोग एमिनो एसिड से बात कर रहे हैं कि अमाइनो ग्रुप से, ये एमिनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप हटाते हैं, बचा हुआ पार्ट ऑर्गेनिक एसिड होता है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट से ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन कराते हैं। सम माइक्रोब्स प्रोड्यूसेज सम माइक्रोब्स कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इंटू ऑर्गेनिक एसिड। अब ऐसे कौन कौन से माइक्रोब्स हैं वो हम लोग एक जगह देखेंगे। तो जैसे देखिए, ये हो गया माइक्रोब्स, उसके बाद में प्रोडक्ट एंड उसके यूजेज, प्रोडक्ट्स और उसके यूजेज। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है, तो साइट्रिक एसिड। यूज्ड इन डाइंग, किसी चीज को कलरफुल बनाने के लिए जो डाई इंडस्ट्री होते हैं उसमें, साथ ही मेडिसिन में, इंक में और फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिव एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में। ठीक, एसिडोबैक्टर एसिटी बैक्टर एसिटी ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ विनेगर, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक एसिड यूज फॉर मेकिंग रैंसिड बटर, फिर लैक्टोबैसिलस ये बनाता है लैक्टिक एसिड कर्ड में। एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस नाइगर ग्लूकोनिक एसिड
सल्फोनिक एसिड, ठीक, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनेट सोर्स ऑफ कैल्शियम इनटू टू इन्फेंट, ग्लूकोनेट सोर्स ऑफ कैल्शियम टू इन्फेंट काउ एंड लैक्टेटिंग मदर, जो एस्परजिलस नाइगर का है वही पेनिसिलिन का, पेनिसिलियम का भी होता है, पेनिसिलियम का भी वही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए वह अलग अलग माइक्रोब्स और उससे बनने वाले ये जो ऑर्गेनिक एसिड है वो, और उस ऑर्गेनिक एसिड का कहां पर यूज होता है, ये सारा चीज जो है वो कलेक्शन एक जगह हो गया। तो थोड़ा आप इस चीज को अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही सारी चीजों से क्वेश्चन जो है वो रहते हैं। ओके, अब आइए अल्कोहल। अल्कोहल कुछ नहीं, अल्कोहल तो पूरा हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका भी हम लोग प्रोडक्शन कराते हैं। तो अल्कोहल, तो सैक्रोमाइसिस, सेरिबेसी, सेरिबेसी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ, यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ऑन इंडस्ट्रियल लेवल। तो अल्कोहल को इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन कराने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरिबेसी का ही जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब आइए एंजाइम्स। अबाउट 1 to 1.5% ऑफ टोटल एंजाइम्स आर, एंजाइम्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। जो कॉम्प्लीट टोटल वेल नोन जो एंजाइम है, उस टोटल नोन एंजाइम का सिर्फ 1 to 1.5% एंजाइम ही जो है वह कि इंडस्ट्री में और मेडिसिन के फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। तो मेडिसिन का प्रोडक्शन या किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, कोई प्रोडक्ट का इंडस्ट्री के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा हो, तो वहीं पर कुछ कुछ एंजाइम का यूज होता है, जो कि टोटल एंजाइम का सिर्फ 1 to 1.5% ही है। जैसे देखिए लाइपेज, लाइपेज जो है वो यूज होता है डिटर्जेंट में, लाइपेज यूज इन डिटर्जेंट, यूज इन डिटर्जेंट, इट इज, लाइपेज क्या काम करेगा, ब्रेक डाउन करेगा लिपिड को। तो जो भी ऑयल वगैरह, जैसे खाना खाते हैं, कुछ ऑयली फूड हमारे कपड़े पे गिर गया, तो उसको खत्म करने के लिए डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं। तो क्यों, तो जो ऑयल है वो क्या है, लिपिड है, और उस लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला कौन होता है, तो लाइपेज एंजाइम होता है। तो अगर लाइपेज को डिटर्जेंट पे यूज करते हैं, तो इसीलिए जो भी अस्टेन का मतलब दाग धब्बा या ऑयली चीज का जो हमारा ये सब रहता है, उसको क्या करता है, हटाने का काम करता है। इट इज हेल्पफुल इन
रिमूविंग ऑयली स्टेन एंड इट यील्ड इन, और इसका यूज कहां, तो लॉन्ड्री तो आप जानते हैं जहां पे कपड़े की धुलाई वगैरह या कपड़े से दाग धब्बे हटाने का काम जो करते हैं वह किया जाता है। अब कैंडिडा लाइपोलिटिका और जियोट्राइकम कैंडिडम ये दोनों जो है वह प्रोड्यूस करते हैं लाइपेज को। इट इज प्रोड्यूस बाय कैंडिडा लाइपोलिटिका, कैंडिडा लाइपोलिटिका एंड जियोट्राइकम, जियोट्राइकम कैंडिडा लाइपोलिटिका एंड जियोट्राइकम कैंडिडम, जियोट्राइकम कैंडिडम सी कैंडिडम सी ए एन डी आई डी यू एन जियोट्राइकम कैंडिडम, ये दोनों जो है वह मिलकर के कौन कौन, तो नाम इसका याद रखना है कैंडिडा लाइपोलिटिका एंड जियो ट्राइकम कैंडिडम, ये नाम आपको याद रखना होगा। तो लाइपेज में आपको इतना ये चीज याद रखना है। फिर पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज इज यूज्ड इन जूस इंडस्ट्री टू क्लियर द जूस, सो बोटल जूस इज क्लियर एज कंपेयर टू होममेड, घर पे जो हम लोग जूसर में जूस निकालते हैं तो वो क्लियर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो आप ट्रॉपिकाना का या किसी भी दूसरे कंपनी का बोतल में या किसी में पैक किया हुआ जो जूस लेके आते हैं वो एकदम क्लियर होता है, क्रिस्टल पूरा अच्छे से दिखाई देने वाला, उसमें कुछ नहीं होता है, पूरा क्लियर पानी के जैसा रहेगा। तो वो क्यों, क्योंकि वहां पर पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम का हम लोग यूज करके उस जूस को क्या करते हैं, पूरा क्लियर कर देते हैं। तो चूंकि जूस जो है वो किससे निकलेगा, फ्रूट से, और फ्रूट किस चीज से बना है, तो सेल के, और सेल में सेल वॉल है, तो उस चीज को जहां जहां भी उस फ्रूट के पार्ट में पेक्टिनेज और पेक्टिन होंगे उसको रिमूव कर देगा, क्लियर करने का, डिजोल्व करने का काम करेगा, और इसी के वजह से जो जूस है वो एकदम पूरी तरह से क्लियर दिखाई देता है। अब देखिए इट इज, ये भी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, पेक्टिनेज, पेक्टिनेज जो है वह प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस नाइगर से और बीसो क्लाइमस फल्गो से, एस्परजिलस नाइगर से बीसो एस्परजिलस नाइगर बीसो क्लाइमस बी आई डबल एस ओ बी वाई कैलमस बी आई डबल एस ओ सी एच एल एम यू बीसो कैलमस फल्गो बीसो हाँ बीसो कैलमस फल्गो से, ये हो गया पैक्टिन। तो पैक्टिनेज इज प्रोड्यूस बाय, उसी तरह पैक्टिनेज और प्रोटीएज, प्रोटीएज
एक इज प्रोड्यूस बाय, जैसे ये हुए हैं उसी तरह मोर्टिरेला मोर्टिरेला रेमी स्पोरा से फिर एस्परजिलस से एंड बैसिलस स्पीशीज एंड बैसिलस स्पीशीज से। तो पेक्टिनेज इससे और प्रोटीएज जो है वह इन स्पीशीज से। तो यहां पर भी स्पीशीज का नाम जो है वो आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। ओके, तो ये नाम ये हो गया। प्रोटीएज, प्रोटीएज के बाद में अब आइए स्ट्रेप्टोकाइनेज, इट इज क्लॉट, इट इज क्लॉट बस्टर, क्लॉट बस्टर का मतलब दैट फाउंड इन ब्लड वेसल्स इन मायोकार्डियल इंफॉक्शन पेशेंट दैट इज हार्ट पेशेंट। तो जो भी क्लॉट या बस्टर जो होते हैं उसको रिमूव करने का, इट इज क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का मतलब इट रिमूव दी इट रिमूव दी क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो यह इट रिमूव दी क्लॉट्स इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर में जो क्लॉट होते हैं उसी को ये क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। और ये किससे हैं, तो ये बनता है एस्परजिलस से, राइजोफस एंड बैसिलस स्पीशीज से। इट इज प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस, राइजोफस, ठीक, एस्परजिलस, राइजोफस एंड बैसिलस स्पीशीज। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है साइक्लोस्पोरिन की। साइक्लोस्पोरिन जो है वह एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इट इज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, इट इज अ इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट एंड यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, यानी जिस पेशेंट में ऑर्गन का
जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ या कोई दूसरा कोई भी ऑर्गन का जब ट्रांसप्लांट करते हैं, खास करके हार्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट में, तो वहां पर साइक्लोस्पोरिन देते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, बहुत कम कर देगा। सप्रेस होने से क्या होगा, सेल्फ और नॉन सेल्फ यानी कि यह अपने ही बॉडी के अंदर जो ट्रांसप्लांट होकर के जो ऑर्गन आया उसको मारना चालू ना करे, यानी उस ऑर्गन को फॉरेन पार्टिकल समझ के उसको डिस्ट्रॉय करने का या मारने का काम नहीं करे, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम। ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, बहुत से आपको एमसीक्यू में हर जगह भी मिलेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीएस्पोरम जो है वह साइक्लोस्पोरिन बनाता है और साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, एजेंट है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे पेशेंट को दिया जाता है। ठीक, अब उसके बाद में आइए अस्टेटिन। अस्टेटिन क्या काम करता है, अस्टेटिन इज ए अस्टेटिन इज प्रोड्यूस बाय टेस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस। स्टेटिन इज ए कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग लॉवरिंग ड्रग या एजेंट। तो ये कैसे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करने का काम करता है, तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है या ड्रग है। कैसे, तो कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन जिस एंजाइम से होता है हमारे बॉडी में, उस एंजाइम के लिए अस्टेटिन जो है वह एक इनहिबिटर की तरह यानी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की तरह काम करता है। तो अस्टेटिन एक्ट एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर इट रिजेंबल विथ मेवालोनेट एंड कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए रिडक्टेज और एएमजी कोएंजाइम ए। अब पूरी बात समझ लीजिए, इतना सारा नाम लिख दिए कंफ्यूजन हो रहा होगा। एंजाइम का चैप्टर टॉपिक याद कीजिए, एंजाइम में लॉक एंड की हाइपोथेसिस यानी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का प्रोसेस आया था। जब दो कंपोनेंट का स्ट्रक्चर और नेचर एक जैसा हो यानी
एंजाइम हमेशा क्या करता है, एंजाइम के पास जो है वह रिसेप्टर होते हैं। तो मान लीजिए यह एक एंजाइम है, यह एंजाइम है और यहां पर स्टैटिन, ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो प्रोडक्ट है, ये सब्सट्रेट है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। जब ये इसके साथ, ये एंजाइम है, ये सब्सट्रेट है, ठीक, किसका सब्सट्रेट है, तो यह सब्सट्रेट है इसके लिए, यह सब्सट्रेट है, सब्सट्रेट सब्सट्रेट फॉर कोलेस्ट्रॉल। अब ये दोनों जब जुटेंगे तो क्या देगा, कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। लेकिन अगर सेम टू सेम ऐसे स्ट्रक्चर का मैं इसको ऊपर ड्रॉ करता हूं, आपको कंफ्यूजन नीचे साइड ना दिखे, तो इस चीज को समझिए। यहां पर ये जो हम कह रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट। जब ये दोनों मिलते हैं तो यहां पर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये सबसे पहले क्या बनेगा, और ये हो गया एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, और तब फाइनल क्या बनता था, प्रोडक्ट। अब इसी के सेम स्ट्रक्चर के जैसा ये क्या है, तो स्टैटिन प्लस ये दोनों मिल करके एक ऐसा स्ट्रक्चर दे देते हैं, और यहां पर इस सब्सट्रेट को रोक करके ये अगर बाइंड करेगा तो फिर फाइनली प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो यही काम कौन कर रहा है, स्टैटिन करता है। स्टैटिन जो है वह इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम क्या काम करता है, तो ये एंजाइम कोलेस्ट्रॉल के लिए है, तो इस एंजाइम के साथ जाकर के बाइंड कर जाता है कौन, स्टैटिन, किसके साथ मिलके, तो मेवालोनेट के साथ मिलकर के। तो जब हम स्टैटिन को खाते हैं वो जाकर के मेवालोनेट हमारे बॉडी के अंदर बनता है, उसके साथ जुड़ करके और एक ऐसा स्ट्रक्चर देगा जो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटेराइल को एंजाइम ए रिडक्टेज के लिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होगा, और कभी भी कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जाके बाइंड करता है तो प्रोडक्ट नहीं बनने देता। प्रोडक्ट के रूप में क्या नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट के रूप में कोलेस्ट्रॉल नहीं बना, ठीक, कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं बना और डॉक्टर ऊपर से आपको कोलेस्ट्रॉल खाना भी कम करवा दिया, यानी बोलेगा एकदम कम से कम तेल में खाना खाइए, ऑयली फ्री खाना खाइए, बॉइल फूड खाइए, तो एक तरफ तो आप ऑयल ले नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ एस्टेटिन का अगर ड्रग ले रहे हैं तो वो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं देगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो जाएगा और बॉडी में क्लॉट बनने के चांसेस या हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी होती है, तो यही है क्या, तो ये है स्टैटिन का। ओके, तो यहां तक इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन जो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ओके।